हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी ब्यूटी मेकअप। आज मैं आप लोगों के साथ पर्पल हॉल शेयर करने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मुझे पर्पल की तरफ से ये बॉक्स रिसीव हुआ है। मैंने दो बॉक्सेस ऑर्डर किए थे लेकिन आज मेरे पास ये एक बॉक्स आया है और शायद कल आएगा। ये पर्पल की तरफ से है, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। पहले मेरे पास है गुड वाइब्स का हनी स्किन लाइटिंग सीट मार्क्स। मुझे सीट मार्क्स बहुत ही पर्सनली पसंद है, लेकिन ये हनी वाला मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। तो फर्स्ट मेरे पास है ये गुड वाइब्स का हनी सीट मार्क्स लाइटनिंग। सेकेंड मेरे पास है ये गुड वाइब्स का क्यूकम्बर ग्लो टोनर। ये टोनर पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा था और ये आने के बाद मैंने पर्सनली खुद ट्राई किए हैं। इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही अच्छा है, जैसे इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, लगता है कि आप मतलब अभी अपना स्किन को मतलब फ्रेश फील करोगे इसके लगाने के बाद। तो ये टोनर हाईली रिकमेंड है, आई लव दिस, गुड वाइब्स का है। सेकेंड मेरे पास है अगेन गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन B3 स्किन ग्लो सीरम। ये सीरम भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और इसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन एकदम स्मूथ कर देता है आपका स्किन को और चिपचिपा नहीं करता। अगर मतलब दूसरा विटामिन सी या विटामिन B3 आपको लेते हैं तो उसको मतलब ऑयलीनेस लगता है आपका स्किन में और मतलब चिपचिपानेस लगता है ज़्यादा, लेकिन ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये बहुत लाइट वेट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ आपको ऐसे ड्रॉपर मिल जाता है जिससे आप एप्लीकेट करेंगे ऐसे, और ये अभी सील है, मैं इसको खोले नहीं है, लेकिन ये मेरा दूसरा बोतल है। ये मैंने सेकंड से मंगवाया है। फोर्थ है मेरे पास ये NYBA का HD लिक्विड कंसीलर। NYBA का मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया तो इस टाइम पर्पल पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, तो ले सोचें ट्राई किया जाए। तो ये भी मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि इसका एप्लीकेटर जो है ये बहुत ही बढ़िया है, स्मूद है। मैं आपको सबका प्राइस और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो ये NY की तरफ से इसका सेट है वाइटनिंग एंड मिल्क चॉकलेटी 1, सेट नंबर इसका 1 है। मेरा स्किन टोन से मैच करता है। अगर आपका स्किन फेयर है तो मीडियम है तो आप 2 ले सकते हैं, आपका अगर डार्क है तो आप 3 भी ले सकते हैं। मेरा स्किन के हिसाब से ये नंबर 1 मतलब 1 है इसका सेट नंबर। फिफ्थ मेरे पास है ये शुगर का आई पेंसिल काजल, सॉरी नहीं निकल रहा, उसको आना नहीं है कैमरे की तरफ, आ जाओ। ये है शुगर का काजल। ये थोड़ा सा टूट गया है मुझसे इसका। ये भी शुगर का ये भी ऑफर चला था, बहुत ही अच्छा ब्लैक जेट काजल है पूरा। ये भी मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है, ये भी मैंने शुगर का सेकेंड टाइम मंगवाया। ये मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक और ये है मम्मा आर्थ की तरफ से अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन। ये इंडियन स्किन को बहुत अच्छी तरह से जाएगा, अगर किसी का ऑयली स्किन होगा, अगर किसी का ड्राई स्किन होगा, ये अच्छी तरह से जाएगा। और इसका MRP दिखा रहा है 199 रुपीज़। ये भी मुझे डिस्काउंट में मिला है। ये एफ
SPF 15 है, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, मुझे हम इसको यूज़ करके ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कैरेट सीड एंड टर्मरिक, विद कैरेट सीड एंड टर्मरिक इसका जो मतलब ये जो बेस से बना हुआ है टर्मरिक और कैरेट से। सो सेकेंड मेरे पास है ये NYBA का प्राइमर। ये प्राइमर बेसिकली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये कलर बार का मतलब प्राइमर है जैसा है सिलिकॉन बेस प्राइमर बहुत ही अच्छा होता है, अफोर्डेबल है, ये 250 रेंज में आपको ये मिल जाता है। अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज़ गो फॉर इट और ज़रूर आपको ये बाय करना चाहिए। हाँ ट्रैवल फ्रेंडली है, मिनी छोटा सा है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दिन ये चल जाएगा। और इसका जो हाइड्रेटिंग इन नेचुरल लाइटिंग लाइट वेट ठीक है, और इसमें ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कलर बार का प्राइमर है और ये सेम वैसा ही मतलब इफ़ेक्ट देता है कलर बार का तरह क्योंकि ये सिलिकॉन बेस है। सिलिकॉन बेस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मेरे पास लास्ट ऑन लास्ट है स्टेकवेट का ये मिनी लिपस्टिक। इसका आउट ऑफ पैकेजिंग, ओ माय गॉड कितना ब्यूटीफुल सा कलर है, गोल्डन एंड गोल्डन कलर। ऐसे प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका सेट नंबर है 18। अभी फ़िलहाल मैं इसी सेट को लगा के रखी हूँ, कितना प्यारा सा सेट है, आई लव दिस सेट। ये ट्रैवल फ्रेंडली है, इतना छोटू सा है। इसका एप्लीकेशन इतना स्मूथ है, क्या बोलूँ आपको। आप अगर ट्राई करोगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि इसका एप्लीकेशन इतना स्मूथ है, मतलब क्रीमी जैसा है, क्रीम कुछ लगा रही हूँ मैं अपना लिप्स पे और बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं हुआ। मैंने ये आने के बाद ये स्वच्छ किए थे, उसके बाद मैंने रगड़े इसके ऊपर, पानी डाले, फिर भी ये लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ लिपस्टिक है। आई लव दिस मिनी लिपस्टिक। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पास में बेल बटन होगा, प्लीज़ वहाँ पे भी क्लिक कर देना। नेक्स्ट हॉल भी आने वाला है तो देखते रहना मेरा वीडियो को। अगर मेरा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ कर दो। नेक्स्ट हॉल भी आने वाला है पर्पल से, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, मुझे बहुत पर्सनली वो पसंद आएगा। ओ माय गॉड कब आएगा वो। अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। Bye guys.